आप सभी को नमस्कार। और जैसा कि आप जानते हैं कि अब सीजन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, मात्र 75 दिन रह गए हैं। और इसी 75 दिन में अगर आप चाहें तो अपनी तैयारी करके, अच्छे से तैयारी करके अपने मनचाही पोस्ट ले सकते हैं। ये जो प्रेफरेंस फॉर्म का सब चल रहा है रोनाना, ये सब नहीं होना चाहिए। आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए, आपके मार्क्स ऐसे होने चाहिए कि आप जो पोस्ट चाहें और जहाँ चाहें वहाँ आना चाहिए। तैयारी आपकी इस तरीके की होनी चाहिए। बहुत सारे मुझे डाउट्स आए थे कि सर वो कैब कहाँ से करें, तो वो कैब के लिए मैं आपको दो तीन सोर्सेज बता देता हूँ। दो तीन सोर्सेज जो मैंने यूज़ किए थे। मैं यहाँ पे किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, किसी किताब का प्रमोशन नहीं है। मैं बस आपको जो मेरे वो कैब्स थे जहाँ से मैंने की, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तीन चार सोर्सेज हैं, आप वहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहला है किरण का जो किरण पब्लिकेशन का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको किसी भी एग्जाम, SSC का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, आपको प्रीवियस ईयर आपके जुबान पर होना चाहिए। तो किरण में जो एंटो साइनो वन वर्ड ईडियम्स जो सारे दिए हुए हैं उनको बिल्कुल रट्टा मार जाओ, बिल्कुल ग्लास में घोल के पी जाओ उसको अच्छे से। सेकेंड, आप देसी जुगाड़ का यूज़ कर सकते हैं। देसी जुगाड़ बहुत ही इफेक्टिव किताब है। चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा देर तक रिटेन रहती है माइंड में, क्योंकि अल्टीमेटली हमें रिजल्ट से मतलब है। अल्टीमेटली हमें ये मतलब है कि हमारा 2 नंबर आना चाहिए, ये नहीं मतलब है कि हम किस किताब से पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि आप देसी जुगाड़ से भी कर सकते हैं। देसी जुगाड़ बहुत ही इफेक्टिव किताब है। तीसरी किताब जो ब्लैक बुक मार्केट में है, ब्लैक बुक भी आप कर सकते हैं। मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, बट आप कर सकते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा देर तक आप चीज़ों को याद नहीं रख सकते। मेरे ख्याल से, मेरा ओपिनियन है, आपका अलग हो सकता है। ब्लैक बुक अगर आपके पास है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। उसमें भी सिर्फ प्रीवियस ईयर ही दिया हुआ है। और एक SP बख्शी जी की किताब आती है इंग्लिश की, वहाँ से भी आप अपने वोकैब्स को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। करना कैसे है, करने के लिए आपको डेली टारगेट बनाइए। 75 दिन बचे हैं आपके पास, तो आप डेली टारगेट बनाइए कि हमको डेली 20 क्वेश्चन, डेली आपको 20 एंटो याद करने हैं, 20 साइनो याद करने हैं, 20 EDM फ्रेजेस याद करने हैं और 20 वन वर्ड्स याद करने हैं। ठीक है, डेली डेली आप याद करिए। सुबह उठिए, सुबह उठने के बाद इस सारी चीज़ों को याद करिए, एक कागज़ पर लिखिए और उस कागज़ को फाड़ के अपने जेब में रख लीजिए। जो शर्ट आप पहने पूरे दिन, उस जब भी आपको टाइम मिले जेब में से उस कागज़ को निकालिए, एक बार रिवाइज करिए कि हाँ आपने कौन कौन सा आज 20 EDM पढ़ा है, कौन कौन सा 20 वन वर्ड पढ़ा है, कौन कौन सा 20 साइनो पढ़ा है, कौन सा एंटो याद किया है। तो आपका बहुत जो ये चीज़ें होंगी ना, आपके दिमाग में जाके चिपक जाएंगी, कहीं ना कहीं चिपकी रहेंगी हमेशा के लिए। तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये तरीका मैं अपनाता था, सुबह उठ के वो कैप्स को कॉपी पे लिख लेता था, पेज फाड़ के जेब में रख लेता था, पूरे दिन उसी पेज को रिवाइज करता रहता था। डेली आपको यही करना है, आराम से आपका वो कैप तैयार हो जाएगा। 75 दिन बहुत होते हैं, आराम से आपको सिर्फ रिविजन करनी है। तैयारी करते रहिए। और किस चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका शॉर्ट वीडियो बता दूंगा कि भाई कैसे करना है, क्या करना है। तब तक के लिए जय हिंद।